हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है, कि यह क्या होता है, ठीक है, और हमने इसका क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात करी थी, हमने इसका वर्गीकरण पढ़ा था, ठीक है। आज हम उसी वर्गीकरण को डिस्कस करेंगे। तो हमने बात करी थी जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है वह सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आज हम पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे, जिसके कि वापस दो भाग होते हैं, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। जो देखिए, जैसे मोनोसैकेराइड है एंड डाइसैकेराइड आता है, तो इसमें हम पहले बात करेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं, यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, मोनो प्लस सैकेराइड, ठीक है। मोनो अर्थात जिसमें वन मॉलिक्यूल होता है, और सैकेराइड मीन्स शुगर, ठीक है। जिसमें एक मॉलिक्यूल है शुगर का, उसे मोनोसैकेराइड कहा जाता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, मोनोसैकेराइड होती है, जिसमें जो कार्बन होता है, ठीक है, इसके 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे आप अणु कहते हैं, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंतर्गत। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला हमने पढ़ा था ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज, 3 प्रकार का होता है। अब हम पहले बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। जो ग्लूकोज होती है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी के अंदर। जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है ना, ठीक है, या आप कहते हो पाचन जब होता है, तो वह इसमें एंड प्रोडक्ट में, मतलब उसमें ग्लूकोज ही बनती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी, ठीक है। अब देखिए, जो ग्लूकोज है, इसे रक्त शर्करा कहा जाता है, ठीक है, या फिर अंगूर शर्करा भी इसे कहा जाता है, अर्थात ग्रेप शुगर या ब्लड शुगर इसे कहा जाता है, ठीक है। हमारा जो ब्लड होता है ना, रक्त, ब्लड में इसकी मात्रा कितनी होती है ग्लूकोज की, 80 mg पर 100 ml, अर्थात 100 ml रक्त में 80 mg जो होती है आपकी ग्लूकोज की मात्रा होती है, ठीक है। तो यह देखिए, एक तो ग्रेप्स में बहुत अच्छी मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी जड़ या कंद वाली सब्जियां होती ना, जैसे कि आलू होता है, शकरकंद है ना, जड़ वाली सब्जियों के अंतर्गत ही आते हैं ये, ठीक है, प्याज हो गए, ठीक है, इन सब के अंदर भी यह पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है। जो ग्लूकोज है ना, क्या होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ और ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया। अब क्या होता है कि जब हमारे शरीर को जितने ग्लूकोज की आवश्यकता थी ना, तो उस ग्लूकोज को तो हमारे शरीर ने क्या किया, उसका अपटेक कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया। लेकिन कुछ मात्रा में जब यह बच जाती है, ठीक है, अब बची हुई जो ग्लूकोज है, अब आप उसका क्या करेंगे, है ना। तो देखिए क्या होता है कि आपके घर में जब ग्रॉसरी का सामान लेकर के आते हैं, ठीक है, आप ग्रॉसरी का सामान लेकर के आए, जितना रिक्वायर्ड था आपने उसको निकाल करके यूज़ कर लिया। अब जो बच जाता है ना, तो आप क्या करते हैं, उसको स्टोर हाउस में ले जा करके स्टोर कर देते हैं। तो सेम हमारी बॉडी भी क्या करती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, इसको क्या करेगी, स्टोर करेगी स्टोर हाउस में, ठीक है। यहाँ क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की मदद से यह जो ग्लूकोज है, यह किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लाइकोजन में। हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात की थी। ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के यह कहाँ स्टोर हो जाता है, लीवर में स्टोर हो जाता है, और हमारी जो मसल्स होती है, मांसपेशियां, उनके अंदर जाकर के यह स्टोर हो जाएगा। अब क्या होगा,
जब आप खाना बराबर खा रहे हो ना, तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी स्टोर होती जा रही है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा दिन आया जब आपने फास्ट किया है या आपको खाना अवेलेबल नहीं हुआ है और आप भूखे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारे बॉडी को बाहर से फूड अवेलेबल नहीं होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसका मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है और वह लीवर में स्टोर्ड, मसल्स में जितना भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है ना, उसको लेकर के आती है और किस में, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। तो फिर से ये ग्लूकोज हुई और यह ग्लूकोज अब हमारे शरीर को काम आने लग जाएगी, ठीक है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगी, ठीक है। सेकेंड आती है फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज जो है इसको फ्रूट शुगर कहा जाता है, ठीक है, या फल शर्करा कहा जाता है, ठीक है। जो फ्रूट शुगर है तो यह क्या है, हमें फलों से प्राप्त होती है, ठीक है। यह बहुत ही मीठी होती है, ठीक है, स्वाद में बहुत मीठी होती है, और जो आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा मीठी होती है यह, ठीक है, डबल मीठी होती है अर्थात। अब देखिए यह आपको किस किस से प्राप्त होती है, जैसे शक्कर है, ठीक है, गन्ना है, शहद है, ये काफ़ बहुत मीठी चीज़ें होती हैं जो कि नेचुरली मीठे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मीठे फल से, ठीक है, चुकंदर से, इन सब से आपको फ्रक्टोज प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इनकी अगर अपन केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर्मूले की, तो वो इनका लगभग सभी का सेम ही होता है, ठीक है, बस स्ट्रक्चर में ही इनके डिफरेंस होता है। थर्ड हमारी मोनोसैकेराइड आती है, वो है गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज। अगर अपन बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गैलेक्टोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन यह नेचुरली फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है, यह नेचुरली फ्री फॉर्म में या मुक्त अवस्था में अवेलेबल नहीं होता है, यह क्या करता है, मिश्रित रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। एक्चुअली तो यह जो आपका मिल्क शुगर होती है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, मिल्क शुगर जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, उसके पाचन से यह प्राप्त होता है या उसके ब्रेक डाउन से यह हमें प्राप्त होता है, ठीक है। जब लैक्टोज का ब्रेक डाउन होता है तो वह ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित हो जाती है, तो हमें गैलेक्टोज अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यह हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मिल्क शुगर अर्थात लैक्टोज से प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे, ये था हमारा मोनोसैकेराइड, अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड की, डाइसैकेराइड्स की। देखिए जिसे हमको पता है कि मोनोसैकेराइड है वो वन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, किसका, वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, शर्करा का, शक्कर का या चीनी का एक मॉलिक्यूल होता है मोनोसैकेराइड। जब हम बात कर रहे हैं कि डाइसैकेराइड की, ठीक है, तो यह क्या हो गया, वन मोनोसैकेराइड प्लस वन मोनोसैकेराइड जब मिल जाती है तो वह डाइसैकेराइड का निर्माण करती है, अर्थात टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड है, यह फॉर्मेशन करते हैं किसकी, डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको डाइसैकेराइड प्राप्त हो जाती है। अब देखिए हमने बात करी थी कि डाइसैकेराइड भी पुनः तीन प्रकार की होती है ना, सुक्रोज होती है, माल्टोज होती है, लैक्टोज होती है। तो यह तीनों एक एक मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनी है, अर्थात दो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी है, अर्थात एक मोनोसैकेराइड प्लस एक मोनोसैकेराइड, तो उससे हमारी जो डाइसैकेराइड से तीनों प्रकार के इनका निर्माण हो जाता है, ठीक है। जो डाइसैकेराइड होती है ये इजीली वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है, और इनका जो टेस्ट होता है ना वो भी स्वीटन होता है, मीठे होते हैं यह स्वाद, ठीक है, और इनके क्रिस्टल्स भी बन जाते हैं, अर्थात क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ये रवे के रूप में बन जाती है, उसके रूप में इनका निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो अभी हमने बात करी थी कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा, इसका केमिकल स्ट्रक्चर जब मिल जाएगा तो जो भी इनमें उपस्थित अणु है
उन सभी की मात्रा क्या हो जाएगी, डबल हो जाए। ठीक है, पहली हमारी डाइसेकेराइड है सुक्रोज। ठीक है, हिंदी में भी इसे सुक्रोज ही कहा जाता है। ठीक है, सुक्रोज को शुगर ऑफ शुगर केन कहते हैं, या इसे हिंदी में आप कहते हैं गन्ने की शर्करा। ठीक है, शुगर ऑफ शुगर केन या गन्ने की शर्करा इसे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्राप्ति का स्रोत है वो क्या है, गन्ना है। इसके अलावा यह चुकंदर से भी प्राप्त की जाती है, तो इसे चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा देखो यह फ्रूट्स में, हनी में भी प्रेजेंट होती है ना। इस यह सुक्रोज किससे मिलकर के बनी होती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, है ना। तो देखिए ग्लूकोज का हमें पता है, फ्रक्टोज वैसे ये दोनों हमें किससे प्राप्त होती है, फलों से ही मिल रही है ना। ग्रेप से सबसे ज़्यादा हमको ग्लूकोज प्राप्त होती है। ठीक है, जो फ्रक्टोज है यह भी आपको जैसे हनी से मिल जाएगी, या फिर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, गन्ना है, इन सब से मिलती, तो इन सब दोनों से को मिलाने से क्या बन जाती है, सुक्रोज। और इन सुक्रोज को तोड़ने से हमें ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, सुक्रोज जो होती है यह जल में आराम से घुल जाती है और क्रिस्टल्स के रूप में यह अवेलेबल होती है। ठीक है, और जब इसका डाइजेशन होगा तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंतर्गत परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जो आपकी सुक्रोज है इसको इनवर्ट शुगर के नाम से भी इसे जाना जाता है, इनवर्ट शुगर। ठीक है, इस चीज़ को आपने ज़रूर से ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह बराबर मात्रा ग्लूकोज और बराबर मात्रा फ्रक्टोज के मिश्रण से तैयार हो जाती है ना, इसलिए इसको इनवर्ट शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे सेकेंड डाइसेकेराइड की, जो है आपकी माल्टोज। ठीक है, हिंदी में इसे भी माल्टोज ही कहा जाता है, और वैसे इसे जई शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, या माल्ट शुगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह क्या होता है, हमें जो अंकुरित अनाज होता है ना, ठीक है, उनके द्वारा हमें यह प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो अंकुरित अनाज होते हैं जैसे कि गेहूं हो सकता है, रागी हो सकता है, जौ हो सकता है ना, तो इस प्रकार के जितने भी अनाज होते हैं इनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, और जिसकी हेल्प से हमारे को क्या होती है, माल्टोज प्राप्त रहती है। ठीक है, यह आपको स्वतंत्र रूप में या एनवायरनमेंट में फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगी। ठीक है, जब आप आपके जो अनाज होते हैं ना, ठीक है, अनाज का जब अंकुरण करेंगे ना, तो उसी समय पर आपको यह प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो माल्टोज है यह किससे मिलकर के बनी हुई है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से मिलकर के बनी है, अर्थात माल्टोज का जब पाचन होता है ना, इसका जब डाइजेशन होता है, तो यह किसमें परिवर्तित हो जाती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंतर्गत। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ग्लूकोज के, तो उसे आप क्या कहते हैं, माल्टोज जब डाइजेशन होता है इसका, तो ग्लूकोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात दो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं हमको मोनोसैकेराइड के, और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो पुनः हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, माल्टोज प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जो इसका तीसरा सैकेराइड का टाइप है वो है लैक्टोज, इसे भी हिंदी में लैक्टोज ही कहा जाता है। ठीक है, और इसको दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है, या फिर मिल्क शुगर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, जो मिल्क होता है ना, मिल्क में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, लैक्टोज शुगर की ही होती है, इसीलिए जो मिल्क होता है ना वो नेचुरली स्वीट टेस्ट का होता है, हल्का सा मीठापन दूध में होता है। देखिए जितनी भी सैकेराइड्स है ना, ये टेस्ट में मीठी होती हैं, है ना, तो जो हमारा दूध होता है वो भी नेचुरली आपको स्वीट टेस्ट का
लगेगा, ठीक है। जो मदर मिल्क होता है या ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, उसमें लैक्टोज कितनी होती है, 6 to 7% ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होती है, 6 to 7% प्रेजेंट रहेगी लैक्टोज उसमें, ठीक है। और अगर आप बात करते हो काउ मिल्क की, ठीक है, तो उसमें ये कितना प्रेजेंट होता है, 4.5 से 5% तक प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जब लैक्टोज का डाइजेशन होता है तो यह ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंतर्गत टूट जाती है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है या इसका पाचन हो जाता है। तो हमें गैलेक्टोज, देखिए, मोनोसेक्राइड प्राप्त हो गई है और एक ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड हमको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, जो लैक्टोज है ना, ये बाकी जितनी भी शुगर्स हैं उन सब के कंपैरिजन में थोड़ी सी लेसर सोल्यूबल होती है, ठीक है, लेसर सोल्यूबल होती है ना, और बाकी शुगर से थोड़ी कम मीठी होती है। जैसे कि देखिए, ये हमें फ्रूट से मिलते हैं तो सुक्रोज बहुत मीठी होती है, माल्टोज होती है, ये भी सही मीठी होती है, लेकिन लैक्टोज जो होती है वो कम मीठी होती है इन सभी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये तो थे देखिए हमारे मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की, ठीक है। पॉलीसैकेराइड अर्थात हमने अभी तक बात करी थी सिंपल शुगर्स की, है ना, सिंपल सैकेराइड या सिंपल शुगर जो हमारे पास में थी, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो थी वो दो प्रकार की थी, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, जिसके अंतर्गत आता है हमारा पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड को हिंदी में भी पॉलीसैकेराइड ही कहते हैं, यह जटिल कार्बोज होती है, ठीक है। यह क्या होती है, इनसे डाइसैकेराइड से बहुत सारी डाइसैकेराइड्स की जब श्रृंखला बन जाती है तो उससे हमें पॉलीसैकेराइड्स प्राप्त होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे, क्या क्या थे, तो देखिए पहला है इसमें स्टार्च, ठीक है। जो स्टार्च है यह आपको कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट से, वेजिटेशन से, या आप इसको कहोगे वनस्पति से आपको यह प्राप्त होता है, ठीक है। स्टार्च प्राप्ति का सबसे अच्छा सोर्स ही प्लांट्स ही होते हैं एक्चुअली, है ना। अब देखिए हमारे जितने भी अनाज होते हैं ना, ठीक है, ये फसल से, पौधों से तो हमको प्राप्त होते हैं, इन अनाज के अंतर्गत यह 70 से 85% तक उपस्थित होता है, कौन, स्टार्च, ठीक है। आपके अनाज आपको पता है कौन कौन से होते हैं, गेहूं होता है, चावल हो गया, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, ज्वार, ये सभी आपके अनाज होते हैं, इसमें इतना मात्रा में उपस्थित होता है। इसके अलावा जड़, मूल, कंद जो होते हैं इनके अंदर भी यह प्रेजेंट होती है, रूट्स और ट्यूबर्स भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। उसमें यह 20 से 35% तक यह प्रेजेंट होती है स्टार्च उसके। इसके अलावा जो ड्राई सीड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आपके मटर हो गए, सेम हो गए, फली वगैरह हो गए, ठीक है, इन सब के अंतर्गत ये जो स्टार्च होती है यह 40% तक प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपका एप्पल है, फ्रूट्स में भी स्टार्च अवेलेबल होती है, ठीक है। फ्रूट्स में जैसे कि आपका एप्पल है, ठीक है, बनाना है, ठीक है, लेकिन जब यह रॉ फॉर्म में होते हैं, कच्चे होते हैं, ठीक है, तो उस समय पर क्या होता है कि इनके अंतर्गत स्टार्च उपस्थित होती है, लेकिन जैसे ही यह राइप फॉर्म में आने लगते हैं ना, तो इसके अंदर जो उपस्थित जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होती है ना, वो क्या करती है, मोनो में और डाइसैकेराइड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में परिवर्तित हो जाती है, तभी तो कच्चे फल जो होते हैं आपको क्या मीठे लगते हैं, क्या नहीं, ये हमें फीके लगते हैं, है ना, लेकिन जब यह पक जाते हैं, जब हमारे फल, तब वो हमें मीठे लगने लगते हैं। उसका कारण क्या है कि अब जो उसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट थी, ठीक है, वो जो कार्बोहाइड्रेट थी वो पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में परिवर्तित हो गई है और मोनो में परिवर्तित हो गई है, इसलिए, ठीक है। तो अब आपको क्या होता है कि वो जो फल होते हैं वो
खाने में मीठे लगने लग जाते हैं। ठीक है, जो ये स्टार्च होती है ना, ये जल में अघुलनशील होती है, इनसेल्युबल होती है पानी के अंदर। ठीक है, लेकिन जब अगर आप इसको गर्म करते हो, ठीक है, तो यह बहुत ही आसानी से पानी के अंदर घुल जाती है और इसके दाने फूल जाते हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होकर के गाढ़ा गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्टार्च होती है ये बहुत ही इजीली डाइजेस्टिबल होती है हमारे पेट में जाने के पश्चात। ठीक है, डाइजेस्टिबल होती है। इसके अलावा यह टेस्ट लेस होते हैं, इनका आपको स्वाद ही नहीं आता, स्वादहीन होते हैं, आपको फीके फीके से लगते हैं जब आप इनको कंज्यूम करते हैं तब। ठीक है, यह यूजुअली आपको वाइट पाउडर फॉर्म में मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक है, वाइट कलर के होते हैं, जैसे कि देखिए आपका आलू है, आलू को जब आप ड्राई करके इसका एक पाउडर बनाते हैं तो वो वाइट कलर का बनेगा। शकरकंद का पाउडर बनाएंगे तो वाइट बनेगा। अरारूट का पाउडर आपने सुना होगा, जो कि स्टार्च होता है, एक्चुअली हम इसको यूज़ करते हैं घर में कुछ रेसिपीज़ प्रिपेयर करने में, सूप्स बनाने के अंतर्गत, या एज अ थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट मतलब जो आपकी चीज़ों को गाढ़ा करने का काम करता है। ठीक है, तो वो आप देखते हैं सभी वाइट कलर के पाउडर के रूप में ही प्रेजेंट होते हैं। आप इसको जब पानी में घोलते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि एक बार तो ये घुल जाएगा, और अगर आप उसको कुछ मिनट्स के लिए अगर आप रखते हैं तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे बर्तन के पैंदे में सेटल हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब आप इसको गर्म करते हैं ना, तो यह जो वाइट कलर का जो लिक्विड फॉर्म में जो ये बन जाता है ना, अब यह एक्चुअली ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, और गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, तो यह इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा पॉलीसेकेराइड का स्टार्च। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स को डिटेल में डिस्कस किया है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड का फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्च को भी डिस्कस किया है। ठीक है, अब जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।